नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार, आप देख रहे हैं पीएम अपो न्यूज। इस समय खड़े हैं पुराना गवर्नमेंट कॉलेज मैदान हिसार के अंदर और यहाँ पे चल रहा है गीता महोत्सव, जो कि आज नेहरू युवा केंद्र ने भी एक अपनी एक स्टॉल लगाई हुई है। और हमारे साथ में जो मेहमान जुड़े हुए हैं, नरेंद्र यादव जी जो कि डिप्टी डायरेक्टर है नेहरू युवा केंद्र से, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद जी रणवीर जी, और आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस पवित्र मैदान पर जहाँ पर गीता जयंती महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और नेहरू युवा केंद्र हिसार द्वारा भी पहली बार यहाँ एक स्टॉल लगाई गई है, और नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से हमारे तमाम स्वयं सेवक यहाँ पर जुड़े हुए हैं और नौजवान साथियों के नशे के खिलाफ अभियान जो चल रहा है उसमें उसके साथ रूबरू कराने के लिए और उसके खिलाफ अभियान में शामिल होने के लिए भी हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और उनका फीडबैक और उनको नेहरू युवा केंद्र के साथ कैसे एक वॉलंटियर के रूप में जोड़ा जाए और गीता कैसे एक युवा को, एक विद्यार्थी को, एक नौजवान साथी को किस प्रकार से अपने जीवन में सफल होने के लिए प्रेरित करती है, वो भी हम बताने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। तो नशा के लेकर एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। हाँ, नशे के विरुद्ध अभियान है ये, संकल्प हस्ताक्षर अभियान, कि हर नौजवान साथी ये संकल्प ले कि हम नशे को छोड़ेंगे। और गीता जयंती महोत्सव के अवसर पर, एक पवित्र उत्सव के अवसर पर अगर हम इसका संकल्प लेते हैं नशे के खिलाफ, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन मजबूत बनेगा और हमारा जीवन जो है समाज के काम आएगा, राष्ट्र के काम आएगा। नशा एक ऐसी बढ़ता प्रकोप है हमारी युवाओं की ज़िंदगी पर, जो आज दिशा भ्रमित हो रहे हैं। हम देखते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर किसी के जीवन में है तो वो नशे की है, क्योंकि अगर नशा नहीं होगा तो वो व्यक्ति कुछ करने के लिए प्रेरित रहेगा, प्रेरणा लेगा, लेकिन जो नशा करता है वो व्यक्ति कभी भी प्रेरणा नहीं ले सकता, क्योंकि नशा इतना प्रभावित करता है उसकी बुद्धि को, उसके जीवन को, कि वो अपना अच्छा भला बुरा सोचने में सक्षम नहीं होता है। तो यादव साहब, जो नशे को लेकर के यूथ जो है इतना अवेयर नहीं है, अभी नशे की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है, तो नेहरू युवा केंद्र नशे से यूथ बचा रहे इसके लिए क्या करेगा? नेहरू युवा केंद्र अभी यहाँ पे तो हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया, लेकिन हम ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे नेहरू युवा केंद्र के यूथ क्लब स्थापित है, युवा मंडल के माध्यम से हम गाँव में जितने भी हमारे किशोरावस्था के बच्चे हैं, जिनको एडोलेसेंट बोलते हैं, टीनेजर भी बोलते हैं, उनको और युवाओं को जो यूथ क्लब में शामिल है उनको प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। उनको फुटबॉल क्लब अभी हमने शुरू किया है, जो चाइल्ड फुटबॉल क्लब कह सकते हैं उसको, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि जब बच्चे, एक नर्सरी है युवा की, युवावस्था में आते आते वो इतने स्ट्रोंग बन जाए कि वो नशे की तरफ जाए ही ना बिल्कुल। दो हिस्सों में हमने इस कार्यक्रम को बांटा है, एक तो युवाओं के लिए, एक जो हमारे बालक है जो टीनेजर है उनके लिए। तो टीनेजर के लिए हमने फुटबॉल क्लब शुरू किया, अभी हमने 10 फुटबॉल क्लब अभी शुरू कर दिए, और मैं चाहता हूं कि 2 महीने के अंदर अंदर हम पूरे हिसार डिस्ट्रिक्ट को कवर करें, हर गांव को इसमें कवर करें, ताकि बच्चे स्पोर्ट्स के माध्यम से अपने आप को, माइंड को अपने को स्ट्रोंग करें, बुद्धि को स्ट्रोंग करें, और खेल कूद के माध्यम से अपने आप को नशे से दूर रखें। और दूसरा जो हमारा कंपोनेंट है वो है युवाओं के लिए, क्योंकि युवा एक ऐसी आयु वर्ग है जिसमें हम सब कुछ करते हैं, हमारा कैरियर भी है, हमारा समाज भी है, हमारे रिश्ते नाते भी है, पढ़ाई लिखाई भी है, और हमें अपने आप का व्यक्तित्व का निर्माण भी करना, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट भी करना है। तो इतना बोझ युवा की ज़िंदगी में आ जाता है कि वो एक कमज़ोर व्यक्तित्व का व्यक्ति या कमज़ोर बुद्धि का व्यक्ति या कमज़ोर मन का व्यक्ति जो है वो उसको सक्षमता से काबू नहीं पा सकता, नशे की ओर लगातार अग्रसर होता है। हाँ, अग्रसर इसलिए ही होता है कि वो कमज़ोर है, मन से कमज़ोर है, वो बुद्धि से कमज़ोर है, और वो किसी भी ऐसे प्रभाव में आ जाता है तुरंत। अगर व्यक्ति, उसका व्यक्तित्व मजबूत है, उसके अंदर आत्मबल है, और अगर वो जो है अपने मन पर काबू रख सकता है, अपनी इंद्रियों पर काबू रख सकता है, तो वो फिर नशे की तरफ प्रभावित नहीं होगा, और नशे की तरफ प्रभावित नहीं होगा तो वो अपने जीवन को बहुत बेहतरीन चला सकता है। जैसे भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि भाई आप इतनी जल्दी डिमोरलाइज मत हुओ, आप अपने आप को मजबूत बनाओ, आप एक योद्धा हो, एक आप क्षत्रिय हो। इसीलिए हम युवाओं को भी यही कहते हैं कि युवा हो, क्योंकि युवा जो आयु वर्ग है वो पूरे जीवन में, जो हमारे 4 आश्रम हैं, एक ब्रह्मचर्य आश्रम है, एक
हमारा गृहस्थ आश्रम है, एक हमारा वानप्रस्थ है और संन्यास है। तो उसमें जो हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम को कह सकते हैं हम, जो युवा वर्ग में आते हैं, तो उसमें अगर हम अपने आप को इतना मजबूत नहीं बनाएंगे, अपने आत्मबल को इतना मजबूत नहीं करेंगे, तो हम शायद ज़िंदगी की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। तो इसलिए अगर हम गीता के उपदेश को देखें, उस प्रेरणा को देखें, भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा को जो अर्जुन को दिया कि आप खड़े हो जाओ और युद्ध करो, और आप जो है अपने जो मोह है, मोह जो हमारे मोह, ये मोह ही तो है ना सारे, कि हम नशे की तरफ भागते हैं, हमारे अंदर आलस्य है, हम जल्दी उठना नहीं चाहते, हमें ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए लेकिन हमारा मोह है, हम गर्म पानी से स्नान करते हैं, हम अपनी संगत को नहीं सुधार पाते, वो भी एक मोह है, और अलग अलग खाने पीने का मोह है, जैसे हम पिज्जा की तरफ भागते हैं, बर्गर की तरफ भागते हैं, ये मोह है। ये ज़िंदगी को, जब मोह हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जाता है, तो हम अपनी ज़िंदगी को जो होना चाहिए, हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, इस चीज़ को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। हम सिर्फ उस लालच में फंस जाते हैं, उस अटैचमेंट में फंस जाते हैं, और जो हमारे लिए ज़िंदगी में होना चाहिए उसकी तरफ हम नहीं देखते हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण की प्रेरणा को हम भगवत गीता के माध्यम से अपने जीवन में ऐसे उतार सकते हैं कि हम अटैचमेंट को ख़त्म करें और मोह को ख़त्म करें, और जो हमारा डिटर्मिनेशन है, जो हमारी लगन है, जो हमारी दृढ़ संकल्प है, उस पर चलकर अपने जीवन को कामयाब बनाए। तो यादव साहब, ज़्यादा सर जो बेरोजगारी भी एक कारण नशे को मान सकते हैं, बेरोजगार युवा जो है भटकता हुआ कहीं ना कहीं नशे की गिरफ्त में आ जाता है, तो नेहरू युवा केंद्र युवाओं के रोजगार के लिए क्या कार्य कर? नेहरू युवा केंद्र रोजगार के लिए जो है, हम वैसे तो डायरेक्ट रूप में तो रोजगार नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई स्कीम नहीं है, लेकिन मैं युवाओं को ये जरूर कहना चाहूँगा कि रोजगार की कमी नहीं है। जैसे हम कह देते हैं कि रोजगार की कमी है, क्योंकि हम बहुत बार देखते हैं जब हम किसी चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, किसी स्किलफुल व्यक्ति की ज़रूरत होती है, मान लो किसी बिजली वाले मैकेनिक की ज़रूरत होती है, किसी कारपेंटर की ज़रूरत होती है, किसी कोई जो है गाड़ी मैकेनिक की ज़रूरत होती है, मोबाइल रिपेयरिंग की ज़रूरत है, तो हमें मैकेनिक नहीं मिलते हैं और हम जो है उसके पीछे पीछे घूमते हैं। आप भी देखते होंगे कि समाज में जब हमें किसी इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत पड़ती है तो वो कई दिन तक तो मिलता ही नहीं हमें, और फिर टाइम दे दे के भी बार बार मुकर जाता है। तो इसका मतलब ये हो कि हमारे पास स्किल की कमी है, हमारे पास स्किलफुल लोगों की कमी है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर नौजवान साथी, रोज़गार की कोई कमी नहीं है, अगर आप स्किलफुल हो जाओ किसी भी चीज़ में, भी आप स्किलफुल हो, आप मान लो म्यूजिक सिखाने में स्किल है आपकी, आप मान लो ये हमारा बच्चा रोहतास कुमार सेल्फ डिफेंस में उसकी स्किल है, या फिर आप मोबाइल रिपेयरिंग में आपकी स्किल है, या कारपेंटिंग में आपकी स्किल है, या आपकी जो है म्यूजिक सिखाने में आपकी स्किल है, या आपकी जो है पेंटिंग में स्किल है, आपकी जो भी स्किल है, अगर आप उसमें स्किल हो जाते हो, परफेक्ट स्किलफुल हो जाते हो, तो आपको रोजगार की कोई कमी नहीं है। जो सरकारी नौकरी में आपको जो महीने में तनख्वाह मिलती है, वो तो आप 10 दिन में कमा लोगे आराम से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से यही सिखाने का प्रयास युवाओं को करते हैं कि आप अपने पैरों पर खड़े हो और अपने मनोबल से अपने आप को स्किलफुल बनाओ, और अपना जो है खुद का व्यवसाय शुरू करो, और आप मालिक बनो, आप नौकर मत बनो। नौकर बन के आप सिर्फ नौकरी कर सकते हो, लेकिन मालिक बन के आप 10 लोगों को और को भी रोज़गार दे सकते हो। और आप अगर स्किलफुल हो जाओ, अगर एक महीना 2 महीना 6 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा साल भर अगर आप किसी भी स्किल को दे देते हो, तो आप उसमें परफेक्शन हासिल कर लोगे और आप अपने साथ साथ बहुत से लोगों को भी रोज़गार दे पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में नेहरू युवा केंद्र से नरेंद्र यादव जी, डिप्टी डायरेक्टर नेहरू युवा केंद्र हिसार, जुड़े हुए थे और बहुत तमाम जानकारियों से नशे को लेकर के, रोज़गार को लेकर के हमने बातचीत की, और जो जिन कार्यों को लेकर के नेहरू युवा केंद्र हिसार कार्य कर रहा है, काबिले तारीफ़ है। युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को नशा मुक्ति की ओर ले जाने के लिए, और युवाओं को ताकतवर बनाने के लिए कई खेल क्लब भी नेहरू युवा केंद्र ने अभी अभी खोलने शुरू किए हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ बने रहिए पीएम अपन न्यूज़ से, मैं रण सिंह पवार।